और जब जब महाभारत की बात आती है तब तब जीत हमारे सामने आ जाती है। हारने वाले को दुनिया याद करे ना करे, लेकिन जीतने वाले को जरूर करते हैं। और महाभारत का संदेश यह है कि जीवन में यदि जीतना चाहते हो तो महाभारत के 3 सूत्रों को हमेशा सामने रखो, आंखों के सामने रखो, यदि आप जीवन की लड़ाई जीतना चाहते हो, क्योंकि जीतना जरूरी है। लेकिन जीतेंगे कब? संसार में हर इंसान जीतना चाहता है। छोटा बच्चा हो वो भी चाहता है कि मैं परीक्षा में मेरा पहला नंबर आ जाए, स्कूल में मैं अव्वल आ जाऊं, मैं आगे आ जाऊं, स्कूल में मेरा पहला नंबर आ जाए। व्यापारी ये चाहता है कि पूरे नगर में मेरा पहला नंबर आ जाए, मेरा व्यापार सबसे अच्छा चले। हमारी बहनें ये चाहती है कि परिवार में मेरा दबदबा हो, मेरा वर्चस्व हो, मेरा सुना जाए, परिवार में मेरा चले। संसार का हर व्यक्ति जीतना चाहता है, हर एक क्षेत्र में जीतना चाहता है। खेल खेलने वाले ये चाहते हैं कि हमारी जीत हो जाए। संसार में हारना कोई नहीं चाहता। हर एक व्यक्ति, चाहे वो मूर्ख हो, चाहे वो मूढ़ हो, चाहे वो पागल हो, चाहे उसके भीतर योग्यता हो ना हो, चाहे उसके भीतर पात्रता हो ना हो, लेकिन विचार तो सबके यही है कि हमें जीवन में जीतना है, हारना कोई नहीं चाहता। लेकिन महाभारत सूत्रकार ने 3 गजब के सूत्र लिखे हैं। का जीवन में जीतना चाहते हो तो 3 सूत्र हमेशा आंखों के सामने रखो, कि यदि ये 3 सूत्र को आप समझ लोगे, आंखों के सामने रखोगे, ये 3 क्वालिटी आपके भीतर होगी, तभी आप जीवन में जीत पाओगे, वरना जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पहला सूत्र दिया, यतो धर्मस ततो जय। कहा जहां धर्म है वहां जीत होगी। आप समझ लेना, कौरवों की सेना ज्यादा थी, कम नहीं थी। कौरवों के पक्ष में राजा महाराजा भी ज्यादा थे, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण जैसे धुरंधर कौरवों के पक्ष में थे, कोई कम नहीं थी। कम मत समझना। अब महाभारत को जब डिटेल से पढ़ोगे, आप सोचोगे, समझोगे, आपको पता चलेगा कि हालात तो ऐसे थे कि पांडवों को जितना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाए, ऐसे हालात युद्ध के पहले के थे। और मैं आपको बता दूं, यदि श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में न होते तो पांडवों की जीतने की कोई संभावना भी नहीं थी। हर चीज उनके पास ज्यादा थी, सेना उनके पास ज्यादा, राजा महाराजा उनके पास ज्यादा, शक्ति संपन्न लोग उनके पास ज्यादा, हर चीज उनके पास ज्यादा थी, लेकिन अंततः जीत किसकी हुई? कौरवों की नहीं हुई, लेकिन किसकी हुई? पांडवों की हुई। क्योंकि धर्म की जीत होती है हमेशा। देरी भले लगती है, परेशान होना पड़ा पांडवों को, सालों साल घूमते रहे, वनों में घूमते रहे, जंगलों में भटकते रहे, ना कोई खाने को देने वाला था, ना कोई पीने को देने वाला था। अज्ञातवास के समय में तो ऐसे ऐसे वेश परिवर्तन करके रहे कि कोई पहचाने भी नहीं। ऐसे हालात में जीवन को गुजारा, देरी जरूर लगी, लेकिन महाभारत का पहला सूत्र है जीवन में उतारने जैसा, यतो धर्मस ततो जय। जहां धर्म है वहीं पर जय होगी, चाहे देर सदेर हो जाए, चाहे देरी लग जाए। क्योंकि हमारे यहां कहा जाता है कि खुदा के दरबार में देर है पर अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। या तो धर्मस्तत हो जाए, पहला सूत्र दिमाग में बिठा लीजिएगा, जो धर्म के पक्ष में होगा उसी की जय होगी। थोड़े समय के लिए आपको लगे कि अधर्म जीत रहा है, थोड़े समय के लिए आपको महसूस हो कि अधर्म की जीत होने जा रही है, थोड़े समय के लिए आपको प्रतीत हो कि अधर्म की जीत हो रही है, लेकिन अंततः जीवन में जब भी आप परिणाम देखोगे तो महाभारत कार्य कहते हैं यतो धर्मस ततो जय। दूसरा सूत्र दिया, यतो सत्यस ततो जय। कहा कि पहले नंबर में धर्म की जीत होती है, दूसरे नंबर में सत्य की जीत होती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक है। धर्मी व्यक्ति सत्य के करीब रहेगा, वो सत्य से दूर नहीं जाएगा। असत्य चाहे कितना लुभावना हो, असत्य चाहे कितना आकर्षित करने वाला हो, असत्य चाहे कितना खिंचाव करता हो, चाहे आपको कितना खींचता हो, लेकिन फिर भी धर्मी व्यक्ति सत्य के करीब रहेगा, क्योंकि वो जानता है यतो सत्यस ततो जय। सत्य है वहीं पर जीत होगी। बहुत दूर न जाए तो हमारे देश के महात्मा गांधी ने भी जीत कौन से मुद्दे पे हासिल करी? सत्य के मुद्दे पर। उसीलिए उन्होंने अपनी पुस्तक का नाम रखा सत्य के प्रयोग। वो समाज को, दुनिया को, संसार को बताना चाहते थे कि जीवन में समझ लीजिएगा, सत्य का मार्ग हमेशा तकलीफ देह होता है, परेशान देह होता है। आप समझना, कोई साधु बनता है सत्य की खोज करने के लिए,
सांसारिक जीवन बड़ी आसानी से कट जाता है। सच कहना, आपके जीवन में कष्ट ज्यादा आते हैं या हमारे जीवन में कष्ट ज्यादा आते हैं? किसके जीवन? बाह्य कष्टों की बात करें तो हमारे जीवन में ज्यादा है, आपके जीवन में कम है। आपका जीवन सुख सुविधा पूर्ण है, आपको हर तरह से सुविधा मौजूद है, आपके पास चारों ओर से सुविधा युक्त जीवन है। आपका जीवन में बाह्य कष्ट बहुत कम है, हमारे जीवन में बाह्य कष्ट बहुत ज्यादा है। लोच करना पड़े, विहार करना पड़े, जगह जगह पे जाना पड़े, भिक्षा मांग के गोचरी लेके आहार लेना पड़े, कुछ हमारे पक्ष में नहीं है, सुविधा एक भी हमारे पक्ष में नहीं है, क्योंकि हम सत्य के मार्ग को खोजने के लिए निकले हैं। हम सत्य के मार्ग को ढूंढने के लिए निकले हैं, हम सत्य के मार्ग के ऊपर चलने की कोशिश करते हैं, इसलिए कष्ट हमारे जीवन में ज्यादा आता है। आपने कई बार देखा होगा, जो व्यक्ति बुरा करता है, गलत करता है, उसका जीवन बड़ी आसानी से कटता है, और जो बेचारा ये सोच ले कि मुझे नीतिमत्ता से व्यापार चलाना है, उसको खाने के लाले पड़ जाते हैं। ये सोच ले कि मुझे नीतिमत्ता पूर्वक जीवन जीना है, उसको दो टंक की रोटी मिलना मुनासिब नहीं होती, ऐसे हालात हो जाते हैं। क्योंकि समझ लेना, सत्य का मार्ग पथरीला है, कंटक वाला है, परेशानी वाला है, तकलीफ वाला है, कहीं ना कहीं विघ्न पैदा करने वाला है। लेकिन शास्त्रकार भगवंत ने स्पष्ट रूप से लिख दिया कि समझ लेना, जीवन में जीत सत्य की ही होगी, असत्य की नहीं होगी। पहला सूत्र दिया यतो धर्मस्ततो जय, दूसरा सूत्र दिया यतो सत्य स्ततो जय, और तीसरा सूत्र दिया यतो पुण्य स्ततो जय। कहा कि जीवन में तीन ही व्यक्ति, जिसके पास तीन क्वालिटी है, वही तो जीत हासिल कर सकते हैं, वरना कौन कर सकता? आप धर्म में पक्ष में हो, आपकी जीत होगी। आप सत्य के पक्ष में हो, आपकी जीत होगी। और आपके पक्ष में पुण्य है तो भी आपकी जीत होगी। लेकिन निश्चित रूप से समझ लेना, पाप से पुण्य पैदा नहीं होता, गलत कर्म करने से पुण्य पैदा नहीं होता, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने से ही जीवन में पुण्य पैदा होता है। इसलिए महाभारत के बाद जब भी आती है, जीत के सूत्र हमारे सामने जब भी आते हैं, जीवन में यदि हम जीतना चाहे, चाहे संसार में, चाहे व्यापार में, चाहे परिवार में, चाहे अभ्यास में, चाहे जीवन के कोई भी क्षेत्र में जीत हासिल करना चाहे, तो तीन सूत्र हमेशा हमारी आंखों के सामने रहने चाहिए। सबसे पहले नंबर में यतो धर्म स्ततो जया, दूसरे नंबर में यतो सत्य स्ततो जया, और तीसरे नंबर में यतो पुण्यस्ततो जया। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।